दिल्ली के आदर्श नगर में 3 मंजिला इमारत में एसी में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग की चपेट में जिंदा जले 2 मासूम। नमस्कार दर्शकों, आपके अपने चैनल पीएमएस मीडिया की सनसनीखेज खबरों में आपका बेहद स्वागत है। अक्सर देखा जाता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की गड़बड़ी को अनदेखा कर देते हैं, कभी कभी उनकी सर्विस भी समय पर नहीं करवाते और इसकी वजह से कई बार इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ता है। ऐसा ही कुछ पश्चिमी दिल्ली के आदर्श नगर में हुआ। एक 3 मंजिला इमारत में भीषण आग लग गई और उसमें 2 बच्चे जिंदा जल गए। हालांकि दमकल विभाग यानी कि फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां वहां मौके पर पहुंच गई थी। 1 घंटे की मशक्कत से आग पर काबू पाया गया, लेकिन फिर भी इस आग में 2 बच्चे जिंदा जल गए, उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये दोनों बच्चे भाई बहन हैं। इसमें बहन आकांक्षा 8 वर्ष की थी और उसका भाई साटन 10 वर्ष का। बिल्डिंग में ये दोनों ही मृत अवस्था में पाए गए। खबरों के मुताबिक एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी और ये आग पहली मंजिल से दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। हादसे के दौरान घर के सभी सदस्य सो रहे थे। घर के मालिक अनुराग गर्ग हादसे के समय एक शादी में गए हुए थे। अनुराग गर्ग कांग्रेस के नेता हैं। जब आग लगी तब उनके घर पर कोई भी नहीं था और दोनों बच्चे उस वक्त सो रहे थे। फायर ब्रिगेड ने पहुंचने के बाद उस स्थान से तकरीबन 3 से 4 लोगों को रेस्क्यू किया है। कांग्रेस नेता के परिवार का अपने जिगर के टुकड़ों को खो देने के बाद रो रो कर बुरा हाल है और सभी इस बात की टीस पर हैं कि उन्होंने बच्चों को घर में अकेला क्यों छोड़ा। इस बात की सूचना आदर्श नगर थाने में दे दी गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ दीजिए देश दुनिया की खबरों से इजाजत। इस तरह की खबरें अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए हमारे चैनल पीएमएस मीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हाजिर होंगे आपके लिए ऐसी ही ताज़ा तरीन खबर लेकर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।